नमस्कार दोस्तों, अजय आर्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नया नया ड्राइंग सीखना शुरू किया है और जो बिगिनर है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चीपेस्ट और बेस्ट ड्राइंग मटेरियल्स फॉर बिगिनर। ये जो भी मैं ड्राइंग मटेरियल बताने वाला हूँ उसको आप 150 रुपये के अंदर अंदर खरीद सकते हैं, जिसमें ज़रूरत का लगभग सारा मटेरियल आ जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ड्राइंग पेपर। उसके लिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ड्राइंग बुक जो कि कुछ इस प्रकार की आती है। ये मैंने स्टेशनरी से बाय की थी, आप भी अपने आसपास स्टेशनरी से बाय कर सकते हैं। जनरली इस प्रकार की ड्राइंग बुक 50 रुपये में मिल जाती है और जिसमें 36 पेजेस आते हैं और क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ स्केचेस बनाए हैं। जनरली मैं प्रैक्टिस करने के लिए इस ड्राइंग बुक का यूज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको महंगे ड्राइंग शीट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप इस प्रकार की ड्राइंग बुक से भी काम चला सकते हैं। बात करें पेंसिल की तो यहाँ पे चिप प्राइस में और गुड क्वालिटी में एक ही पेंसिल ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आती है, वो है आर्टलाइन की लव आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल, जो कि जापान की ब्रांड है और मार्केट में ये 50 से 60 रुपये के करीब मिल जाती है। दोस्तों, ये पेंसिल प्राइस में सस्ती है लेकिन क्वालिटी में बहुत ही अच्छी है। काफ़ी प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी इस पेंसिल का यूज़ करते हैं। ऑनलाइन भी मिलती है लेकिन ऑनलाइन में प्राइस थोड़ी ज़्यादा रहती है। आप चाहे तो ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल है कटर। ये आप यूज़ करेंगे पेंसिल को शार्प करने के लिए। मैं नॉर्मल शार्पनर की जगह कटर इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि अगर आप शार्प करने के लिए नॉर्मल शार्पनर यूज़ करेंगे तो फिर आपको लीड ब्रेक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको पेंसिल शार्प करने के लिए कटर ही सजेस्ट करूंगा और कटर की मदद से आप किसी भी पेंसिल को अच्छे से शार्प कर सकते हैं। नॉर्मली ये कटर आपको 10 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा। अगला जो ड्राइंग मटेरियल है वो है अप्सरा का इरेजर, जो कि आपको 5 रुपये में कहीं भी मिल जाएगा। दोस्तों, ये इरेजर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है, तो इरेजर में मैं आपको अप्सरा का इरेजर सजेस्ट करूंगा। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है ब्लेंडिंग टूल, और ब्लेंडिंग टूल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉटन बर्ड्स। ये भी आसानी से अपने आसपास की कोई भी दुकान पे अवेलेबल होगा। जनरली कॉटन बर्ड्स का पूरा पैकेट 25 रुपये के करीब मिल जाता है और दोस्तों कॉटन बर्ड्स की मदद से आप बहुत ही बढ़िया ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो भी 8 मटेरियल बताया वो सब बिगिनर के लिए है। आप शुरुआत इतने मटेरियल से कर सकते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारा 8 मटेरियल आपको लॉन्ग टाइम तक चलेगा और ये सारा 8 मटेरियल आपको 150 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो 150 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप 150 रुपये का जियो का नेट पैक करवा सकते हैं तो अपने पैशन के लिए 150 रुपये खर्च कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एक बिगिनर के लिए था। इसमें मैंने जो भी 8 मटेरियल बताया है वो एक बिगिनर के लिए है। आगे आने वाले वीडियो में इससे एक स्टेज ऊपर यानी इंटरमीडिएट लेवल के आर्टिस्ट के लिए भी 8 मटेरियल बताऊंगा कि एक इंटरमीडिएट लेवल के आर्टिस्ट को कौन कौन से ड्राइंग मटेरियल्स यूज़ करने चाहिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, इस प्रकार के ड्राइंग्स मटेरियल और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल अजय आर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।